जबकि जिसका मतलब है कि हमारा इन्फोर्समेंट जो है वो काफी अच्छा रहा। लोकसभा में भी यह फिगर 12 करोड़ था, तो उससे भी हम लोग करीब 1.5 गुना है इस बार के जब्ती में। अब हम लोग आते हैं मतदान प्रतिशत पे। तो सबसे पहले जो आंकड़ा आपको देंगे हम कि पूरे 5 चरणों में सबसे कम कहां मतदान हुआ और सबसे अधिक कहां मतदान हुआ। तो सबसे कम मतदान जहां आप जिस शहर में आप बैठे हैं, रांची विधानसभा में सबसे कम मतदान का प्रतिशत परिलक्षित हुआ 49.04%। और सबसे अधिक मतदान का जो टर्नआउट है वोटर का, वो पांचवें चरण में अर्थात इस चरण में रहा है 8 नाला जहां पे कि 78.01% है। यह औपबंधिक फिगर है, इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। अब हम लोग आते हैं इस पांचवें चरण के वोटिंग परसेंटेज पे। तो पांचवें चरण के कुल 16 विधानसभा क्षेत्रों में औसत मतदान 71.17% रहा है। 71.17%। अगेन ये औपबंधिक आंकड़े हैं, जो फाइनल फिगर हम लोग के पास कल जब सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी वगैरह का मिलान कर लिया जाएगा तो आपको हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे। तो आज अगर आपको हम बताएं तो वैसे मैं तो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन कहना है कि नहीं बता ही दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको पता है कि 275 कंपनी यहाँ पर CAPF लगाई गई, उन सबको मिला दिया जाए और हमारे स्टेट के जो हमारे जिले के फोर्सेज हैं लगभग 45% जिले की फोर्सेज हम लोग हर एक फेज में लगाए। उसके अलावा IRB और JAP का जो झारखंड आर्म पुलिस का जिसको बोलते हैं, उसका भी हम लोगों ने 93 कंपनीज को इसमें लगाया। तो अगर नंबर्स में काउंट करेंगे तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 43,933 सुरक्षा कर्मी लगाए, सेकंड फेज में 51,616, थर्ड फेज में 36,097, फोर्थ फेज में 47,691 एवं फिफ्थ फेज में 48,292। कुल 227,629 सारे फेजेस को मिला दिया जाए तो ये सुरक्षा बलों को हम लोगों ने इस तरीके से भिन्न भिन्न चरणों में और मिला करके मतदान पोल की मतदान के सुरक्षा के लिए, चुनाव सुरक्षा के लिए लगाया।